प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। पीएम हाजीपुर के दियारा इलाके के चौकिया से एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोकामा से सिमरिया बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु के समानांतर एक रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को पूरे विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ बताया। नई दिल्ली में तीन दिन के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आज दूसरा दिन है। नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे आयोजित तीन दिवसीय विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में 35 लाख से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने पर्यावरण की रक्षा और जैविक खेती के लिए सभी का आह्वान किया। केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिलकर आज से दिल्ली में तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय होगा प्रगामी एशिया, भविष्य के लिए निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड भी सम्मेलन की प्रमुख वक्ता होंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दुनिया के सभी देशों से भारत में निवेश करने का आह्वान किया है और भरोसा दिलाया है कि भारत की विकास दर अगले साल और बेहतर होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आईएमएफ के साथ आयोजित एडवांसिंग एशिया सम्मेलन की शुरुआत से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों को और मजबूत करने के लिए भारत और कदम उठाने जा रहा है। लोकसभा ने आधार विधेयक 2016 पारित कर दिया है। इससे सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और समाज कल्याण की योजनाओं में लाभार्थियों को सब्सिडी पहुंचाने को संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों की महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक सूचना का संरक्षण भी हो सकेगा। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी आयुष के लिए एम्स की तर्ज पर पहला अस्पताल दिल्ली में स्थापित होने जा रहा है। यह अस्पताल अगले 4 महीनों में पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने बताया कि केंद्र सरकार आयुष डिस्पेंसरी, अस्पताल और एम्स की तरह के संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगी। साइबर सुरक्षा के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक होने की जरूरत है। दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलता दौर इंटरनेट का दौर है और इसका दुरुपयोग आतंकवाद के लिए भी तेजी से हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को 18 मार्च को पेश होने का समन जारी किया है। उधर बंबई उच्च न्यायालय ने सेवा कर जमा न कराने के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के खिलाफ सेवा कर विभाग की दो अर्जियों पर 28 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। आरकॉम, वोडाफोन और भारतीय एयरटेल सहित निजी क्षेत्र की 6 दूरसंचार कंपनियों द्वारा 2006-07 से 2009-10 के दौरान अपनी आय को कम दिखाने से अपनी भूमिका के दावों के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने में विफल रहा है। इससे पहले जज डेनियल्स ने सऊदी अरब को इस मामले में बरी कर दिया। विश्व T20 में पाकिस्तान के शामिल होने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। विश्व कप T20 में भाग लेने के लिए पाक टीम भारत के लिए रवाना हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 19 मार्च को मैच खेला जाएगा। T20 विश्व कप के दोनों क्वालिफायर मैच बारिश के कारण नहीं हो सके। धर्मशाला में बारिश के कारण पहला मैच हॉलैंड और ओमान के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मैच को रद्द करना पड़ा। जबकि इसी ग्राउंड पर बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच मुकाबला 8 ओवर के बाद रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश और ओमान 13 मार्च को भिड़ेंगे और जीतने वाली टीम अपने ग्रुप से विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। साइना नेहवाल की दूसरे दौर में शिकस्त के साथ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपी की ताइजू यिंग के हाथों साइना को हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। कल शाम से ही हल्की बारिश होने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।